बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का यूरो स्कोर हाई है तो उसका क्या मतलब है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि मेरी एज इतनी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है और मुझे दवा लेने की ज़रूरत है या नहीं। यूरो स्कोर एक साइंटिफिक मेथड है असेसमेंट करने का कि व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए कंट्रोल करने के लिए कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं, और उसका LDL वैल्यूज़ का कट ऑफ कितना है, उसको कितने लेवल तक मेडिसिन लेने की ज़रूरत है और उसका LDL लेवल को कितना लेवल तक रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसमें व्यक्ति का कितना ब्लड प्रेशर है, कितना एज है, उसका जेंडर क्या है, स्मोकिंग स्टेटस कैसा है और बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर एक स्कोरिंग सिस्टम कैलकुलेट किया जाता है। उससे व्यक्ति का 10 इयर्स रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है कि 10 साल में उसको हार्ट अटैक आने का या कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने का कितना रिस्क है उसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हाई रिस्क जोन में रखा जाए या लो रिस्क जोन में रखा जाए और उसका LDL लेवल का कट ऑफ कितना होना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क जोन में उनका LDL का लेवल का कट ऑफ 70 होगा, जो लो रिस्क जोन में उनका 130 to 160 LDL भी मेंटेन कर सकते हैं।